आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडी स्पेस स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे माँ सिद्धिदात्री के बारे में। उनकी पूजा नवरात्रि के नौमी के दिन होती है और इस साल शारदीय नवरात्रि में 18 अक्टूबर को नौमी है और उसी दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है। उसमें आयुध पूजा भी होती है, नौमी हवन भी होता है और साथ में ही नवरात्रि का पारण भी होता है। तो सबसे पहले तो हम आपको सिद्धिदात्री के बारे में बताएंगे, माँ सिद्धिदात्री के बारे में, उनके पूजन करने के तरीके, उनके मंत्र, सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो के एंड तक आपका देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर लाइन इम्पॉर्टेंट है। माँ दुर्गा जी की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र पूजन के नौवें दिन इनकी उपासना की जाती है और इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उनके लिए अगम में नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने को जो सामर्थ्य है वो उस साधक के अंदर आ जाता है। यदि आप मां सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो आपके अंदर वो सारे गुण आ जाते हैं जिससे आप विश्व जीत सकते हैं। क्योंकि मां दुर्गा का नाम ही सिद्धिदात्री है, मतलब सिद्धियों की देने वाली। उनका जो स्वरूप है वो मैं आपको बता देता हूं। मां सिद्धिदात्री चार भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है और इनका आसन जो है वो कमल है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में गदा, ऊपर वाले हाथ में चक्र तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में ऊपर वाले हाथ में शंख और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। माता सिद्धिदात्री की उपासना से उपासक की सभी सांसारिक इच्छाएं और आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है। तो कोई भी साधक सिद्धियां करने के उद्देश्य से जो साधना करता है तो उन्हें नौवीं के दिन निर्वाण चक्र का भेदन करना चाहिए। दुर्गा पूजा में स्थिति को विशेष हवन किया जाता है और हवन से पूर्व सभी देवी देवताओं और माता की पूजा कर लेनी चाहिए। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से हवी यानी कि आहुति देनी चाहिए और बाद में माता के नाम से आहुति देनी चाहिए। नवरात्र के नवम तथा अंतिम दिन समस्त साधनाओं को सिद्ध और पूर्ण करने वाली तथा अष्ट सिद्धि नौ निधियों को प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा के नवम रूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना का विधान है। देवी भगवती के अनुसार भगवान शिव ने मां की इसी शक्ति की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की थी। इसके प्रभाव से भगवान का आधा शरीर स्त्री का हो गया था। उसी समय से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहा जाने लगा। इस रूप की साधना करके साधकगण अपनी साधना सफल करते हैं तथा सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। वैदिक, पौराणिक तथा तांत्रिक किसी प्रकार की साधना में सफलता प्राप्त करने के पहले मां सिद्धिदात्री की उपासना जो है वो अनिवार्य है। अब हम आपको थोड़ी सी और बता देते हैं मंत्रों के बारे में। उनका जो मंत्र है बड़ा ही आसान मंत्र है, सिद्ध गंधर्वच्छा धैर्य सुरैर मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धितायिनी। मार्कंड पुराण के अनुसार अनिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्त प्राकंभ इषित्व और वसित्व ये आठ सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म प्रवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में यह संख्या 18 बताई गई है। नव दुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम है। अगर आपको उनकी स्तुति करनी है तो भी बहुत सिंपल है। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता
नमस्तस्य 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 नमो नमः। इसका अर्थ है कि हे माँ, आप तो सर्वत्र विराजमान हैं और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम, या मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। तो हे माँ, मुझे आप अपनी कृपा पात्र बनाओ। तो सिद्धियां के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब इनकी साधना का जो विधान है वो हम आपको बताएंगे, पूजन करने के जो तरीके हैं वो भी हम आपको बताएंगे। पूजन करने का मंत्र हम आपको बता तो चुके हैं, प्रसाद और भोग की जो तैयारी है वो भी हम बताएंगे। साधना विधान हम आपको बता दें। सर्वप्रथम लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर मां सिद्धिदात्री की मूर्ति अथवा तस्वीर को स्थापित करें तथा सिद्धिदात्री यंत्र को भी चौकी पर स्थापित करें। तदुपरांत हाथ में माल पुष्प लेकर आप माता का ध्यान करें। ध्यान का जो मंत्र है हम आपको बता ही चुके हैं, हम वापस आपको बता दे रहे हैं। सिद्ध गंधर्वक्षा घर सुरैर मरैरपी सिव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे। ध्यान के बाद हाथ के पुष्प को मां के चरणों में छोड़ दें और मां का एवं सिद्धिदात्री के मंत्र का पंचोपचार तथा षोडशोपचार विधि से पूजन करें। देसी घी से बने नवेद का भोग लगाएं तथा मां के नरवारण मंत्र का 21,000 की संख्या में जाप करें। टफ है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मंत्र के पूर्ण होने के बाद हवन करें तथा पूर्णाहुति करें और अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा वस्त्र आभूषण के साथ दक्षिणा देकर परिवार सहित आशीर्वाद प्राप्त करें। कुमारी कन्याओं का भोजन करें, अष्टमी के दिन भी विधान है कुमारी कन्याओं का भोजन करने के लिए। वस्त्र पहनाएं, वस्त्रों में लाल चुनरी अवश्य होनी चाहिए क्योंकि माँ को लाल चुनरी अधिक प्रिय है। कुमारी कन्याओं को माँ का स्वरूप माना गया है, इसलिए कन्याओं को पूजन अति महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। इस दिन भगवती को धान का लावा अर्पण करके ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। इस दान के प्रभाव से पुरुष इस लोक और परलोक में भी सुखी रह सकता है। आप 9वें दिन सिद्धिदात्री को मौसमी फल, हलवा, पूड़ी, काले चने और नारियल का भोग लगा सकते हैं। जो भक्त नवरात्रों का व्रत कर नवमी पूजन के साथ समापन करते हैं उन्हें इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय से मां का पूजन करें। नवरात्र में इस दिन देवी सहित उनके वाहन, सायुज यानी कि हथियार, योगिनियों और अन्य देवी देवताओं के नाम के हवन का विधान है। इसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो कन्याएं हैं उनको मां के प्रसाद के साथ दक्षिणा दी जाती है और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया जाता है, फिर मां को विदाई दी जाती है। इस दिन आप बैंगनी या जामुनी रंग पहन सकते हैं और यह रंग अध्यात्म का प्रतीक होता है। अब मां का जो ध्यान करना है उस ध्यान की विधि हम आपको बता देते हैं। वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्राघ्रकृत शेखराम कमल स्थाम चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्विनी स्वर्णावर्णा निर्वाण चक्र स्थिताम नवम दुर्गा त्रिनेत्राम शंख चक्र कदा पदम धराम सिद्धिदात्री भजेम पटांबर परिधानम मृदु हास्या नानालंकार भूषिताम मंजीर हार केयूर किंकिनी रत्न कुंडल मंडिताम प्रफुल्ल वदना प्लावधराम कथाम कपूला पिन प्योधराम कमल्याम लावण्याम श्रृंकटी निम्र नाभि नितंबनी। इससे आप ध्यान कर सकते हैं मां की। अब जब सारी चीजें पूरी हो जाए तो भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा भी कर लीजिएगा और पूजा के पश्चात अंत में इनके नाम से हवि देकर आरती और क्षमा प्रार्थना कर लीजिएगा। हवन में जो भी प्रसाद चढ़ाया है उसे बांटना है और हवन की अग्नि ठंडी को पवित्र जल में विसर्जित कर दीजिए या बहती जल में विसर्जित कर दीजिए। प्रसाद को भक्तों में बांट दीजिए। यह जो भस्म है, जो हवी का जो भस्म होता है
उसे रोग संताप और ग्रह वादा से आपकी रक्षा होगी और मन से भय को हमेशा ये दूर करेगा। तो ये जो नवमी का दिन है वो काफी मायने रखता है नवरात्रि के दिनों में। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।